अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहायत अहम है उसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी साथ साथ में बताऊंगा। तो लिहाजा आप एक एक क्वेश्चन पे गौर करेंगे, ठीक है, आप खुद देखेंगे और इनको हो सके तो नोट डाउन करें अपने पास ताकि एक दफ़ा आप देख के उसको अपने पास लिख के इसकी प्रिपरेशन कर सकें। स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे पास टोटल तीन सेक्शन, सेक्शन ए में 17 एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स भी शामिल होगा, ठीक है, साइंटिफिक रीजंस भी शामिल होंगे और आम तौर पर जो क्वेश्चन आंसर है वो शामिल होंगे। टोटल जो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन होंगे आपको 14 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे। तो टोटल सेक्शन बी से आपको 36 नंबर मिलने वाले हैं। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपके पास डिटेल आंसर क्वेश्चन आपको जो है ना होंगे, जिसमें आपके पास हर एक क्वेश्चन के देखें आपके पास तीन क्वेश्चन होंगे, तीन क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन सेक्शन सी में 3 होंगे, इसमें जो क्वेश्चन 1 है उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसी तरह क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और बी। क्वेश्चन 3 के भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और बी। हर एक पार्ट का आपका 8 मार्क्स के हर एक पार्ट होंगे, तो दो आपने टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 की जो 2 पार्ट है, एक पार्ट के 8 मार्क्स, दूसरे पार्ट के 1 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स एक पार्ट के मिलने वाले हैं और इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 मार्क्स आपको 8 मार्क्स 1 पार्ट के दूसरे क्वेश्चन के और 8 मार्क्स दूसरे पार्ट के, तो यहां से आपको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से आपके पास 32 मार्क्स इसके बनेंगे, ठीक है। तो टोटल आप इसको सम करेंगे ना तो आपके पास बनेगा टोटल जो मार्क्स है फिजिक्स का वो बनेगा 85। तो 85 जो है ना मार्क्स के पेपर आपको सॉल्व करने होंगे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है आइए आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कुछ इक्वेशंस गिवन होंगे, वो डायमेंशनली आपने करेक्ट प्रूफ करने हैं, ठीक है। उसमें से पहला है आपके पास टी इजिकल्स टू 2π अंडर रूट एलेवल जी, ठीक है। दूसरा है आपके पास एस इजिकल्स टू VIT प्लस 1/2AT2। सेकेंड इक्वेशन आप मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। तीसरा थर्ड इक्वेशन आप मोशन है 2AS = VF² - VI². चौथा आपके पास है T = 2π√m/k, ठीक है। आपके पास पांचवा है A = MC², छठा है आपके पास F = 1/12√FL/m। ये सारे आपने क्या करने हैं, डायमेंशनली प्रूफ करने हैं। बहुत आसान सा मेथड है, इसकी हमारी वीडियो भी बनी हुई है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये जो तीन आपके पास डेफिनेशन है उसको आपने याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपके पास है डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आपने देख के जाना है, बाकायदा इसकी डेरिवेशन वगैरह है तो उसको आपने प्रॉपर देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद गिव देयर एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल के साथ आपने इसकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप डिफाइन करेंगे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रिच। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, अगर आपको आप चाहते हैं कि कोई कुछ क्वेश्चन हो जो आप तैयारी करके जाएं, तो जिन जिन पे मैं स्टार लगाऊंगा वो आपने सही से तैयारी करना है, तो उसमें से एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सही से देख के जाने हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट है कि ये पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ में बताऊंगा अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है। टोटल मैंने 26 क्वेश्चन ही दिए, अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है, पूरे फिजिक्स देखें तो इतनी मोटाई उसकी है, ठीक है। इसमें से मैंने 26 कैलकुलेटेड क्वेश्चन निकाले, उसमें से भी अगर आपको परेशानी है तो मैं जिन क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इंपल्स, शो दैट इंपल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है, ये आपने देखना है, ये इतना जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन
टू स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली इन वन डायमेंशन कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर देयर फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। ये भी इस पर भी मैं जो है ना स्टार लगा रहा हूँ, इसकी भी आप भरपूर तैयारी करके जाएंगे। आपका टोटल दो क्वेश्चन है जिसमें मैंने स्टार लगाए, ठीक है। तो ये भी एक डेरिवेशन है, ठीक है, जो आप प्रॉपर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ड्राइव रिलेशन फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, ये भी तैयारी करके जाए आप। क्वेश्चन 11 है आपके पास, व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये देख लें। क्वेश्चन 12 है, ड्राइव रिलेशन फॉर टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब का जो रिलेशन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है, तो वो रिलेशन आपने देखना है। क्वेश्चन 13 है आपके पास, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसके जो है ना इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको ऐड करता चलूँ कि इसकी जगह पे आपको ये भी आ सकते हैं कि आप रिलेशन मालूम करें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, एस्टेब्लिश वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को आपने बाकायदा पढ़ के उसको इसके डेरिवेशन वगैरह देख के जाने। डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, पहले कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं वो डिफाइन करो, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने कंजर्वेटिव फील्ड साबित करना। क्वेश्चन आपके पास 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन एंड गिव इट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, उसकी एप्लीकेशन पास्कल लॉ क्या, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन, आप इसके एग्जांपल प्रूफ करके वो लिखना है आपने उसमें। स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, ये भी मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, तीसरा क्वेश्चन है जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 18 है, स्टेट एंड प्रूफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को अपने स्टेट करना है और उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन 19 है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, देखो कॉम्बिनेशन में चार कॉम्बिनेशन है आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के भी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर के भी, दोनों की आप तैयारी करेंगे, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आपने देख के जाना है। क्वेश्चन 20 है आपके पास, रेजिस्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये देखना है। क्वेश्चन 21 है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ्स लॉ, ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। चार क्वेश्चन अब तक मैंने मोस्ट जो है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि कुछ ही क्वेश्चन हो उनके लिए, बाकी जो चाहते हैं कि मैक्सिमम उनका पेपर हो 100%, वो टोटल 26 क्वेश्चन उसको याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन 22 है, प्रूफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज SHM, यानी ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये गलत मेंशन हुआ है, प्रूफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखे, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, प्रूफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM एंड इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए भी मैंने आप लोगों को डेरिवेशन मैंने की थी इसमें ना, वो भी आपने आखिर तक, साथ में एनर्जी इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी क्या होता है ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन 23 है, स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लास करेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, फिर उसमें थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं आई तो लैप्लास ने क्या करेक्शन किया उसमें, वो देख के जाना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि मेरा जो है ना इस साल के लिए पांचवा जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ये क्वेश्चन आपने याद करके और तरीके से इसके डेरिवेशन वगैरह देख के जाने हैं। क्वेश्चन 25 है, इस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, डोपलर इफेक्ट विद केस वन एंड केस टू, डोपलर इफेक्ट उसके जो है ना केस वन और केस टू के साथ आपने इसको देखना है। टोटल तीन केसेस हमने डिस्कस किए हैं ना, दो केसेस आपने देखने, हो सके तो सारे केसेस, अब उसके अंदर भी केस वन के अंदर मैंने फर्क दो केस डिस्कस किए, याद है ना, वो सारे आसान है, इंतहाई आसान है, एक समझ में आएगा तो सारे बने। क्वेश्चन 26 है, स्टैंडिंग वेव एंड ड्राइव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद वन लूप टू लूप एंड एन लूप, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास हो सकते हैं। लिहाजा पूरे जो है ना आपके पास फिजिक्स में से मैंने सिक्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं आप लोगों को, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप कैलकुलेटेड रहिए, इंशाल्लाह आप इस 26 क्वेश्चंस की प्रॉपर आप तैयारी करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी निकल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यही है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप पहले जो चैप्टर 4 से पहले 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पूरे पूरे करें,
ठीक है, बाकी आगे जो कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं या अपने उस्ताद से पूछ के वो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स के मामले में हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि भाई ये न्यूमेरिकल एग्जैक्ट आप करें तो पेपर में आएंगे। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है, फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिहाजा आप उनकी प्रैक्टिस करें, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तकरीबन 3 घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं फर्स्ट सिक्स चैप्टर के, आपके न्यूमेरिकल्स भी सारे हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी। और जहाँ तक बात एमसीक्यूज की है, एमसीक्यूज के लिए आई विल रिकमेंड द एक्सरसाइज एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज मौजूद है वही आएंगे, उसकी आप प्रॉपर तैयारी करें। जिनको जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि एमसीक्यूज आप करा के दिखाएं, तो इंशाल्लाह सेशन हम उस पर भी रखेंगे, उन एमसीक्यूज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपनी डेढ़ दुआओं में हमें याद रखें कि अगर आप चाहते हैं फिजिकल क्लास के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें तो हमारा जो अकेडमी वो PE Sessions Block 2 में है, आइए फिजिकल क्लास भी ले लें।